कबीर ते चढ़ रहो कबीर कबीर जे मर के जे मर के जे मर के पंडित गए जे मर के पाछे परी वही रे पाछे परी वही रे जे मर के पंडित गए जे मर कबीर जे मार्ग पंडित गए कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परी वही एक अवघट घाटी राम की एक अवघट घाटी राम की ते चढ़ रहो कबीर अवघट घाटी राम की अब घट घटी राम की ए मन मेरे ए मन मेरे बिन पौड़िया मंदिर क्यों चढ़े राम एक अवघट घाटी राम की फरीदा गलिये चिक्कड़ फरीदा गलिये चिक्कड़ दूर घर दूर घर हिंदू मूले भूले अखुटी जाए नारद कहा से पूज कराई अंधे गूंगे अंध अंधार पाथर ले पूजे पाछे परी वही पाथर ले पूजे मुकद गवार पर पंडित अवरा समझाए पाछे परी वही पर पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर न पाए पाछे परी वही ठगे से ठग रलाया
पाछे परी वही ठगे से ठगुर लाया साथ भी इको जे हा पाछे परी वही बाहरो पंडित सदा मनो मूर्ख गावा हर्षो चित ना लायनी वादी धरन पे आ वादा किया करन कहानिया पाछे परी वही मनुख दी जिंदगी दुनिया दे हर जीव दा जीवन मानो एक सफर है पेंडा है पेंडे लई रस्ता जानना जरूरी है ते कई बार रस्ते दा ना पता होवे अनजान होवे तो किसी दी अगवाई लेंदा है फिर अगवाई करने वाला क्यों जे रस्ते पाउंदा है किथे लैके पुजदा है ए उस अगवाई करने वाले दी मर्जी ते निर्भर हुंदा है बस सतगुरु ने बाबा कबीर जी दी रचना तो बैठ के ऐसे ही किसे दृश्य नूं रूप मान कीता है कहंदे ने जीवन लंबे पेंडे पै गया ते होया कि इन दी अगवाई करन वाले जिन्हां दे पिछे लग के उसने तुरना सी उना दोहां दे रस्ते वक वक सन एक पासे अगवाई कर रहा सी ब्राह्मण एक पासे सफर कर रहा सी तुर रहा सी बाबा कबीर भगत जन सिमरन करन वाले लोग अनजान लोग जेड़े इस मार्ग पंथ नूं जानदे नहीं सन उन्हां नूं किसे दे अगवाई सहारे दी लोड़ सी ते एक मनुख दा सुभा है ओ सौखे रस्तियां ते चलना चाहुंदा है आसानी नाल जिन्हां राहां ते तुर सकां उन्हां राहां नूं प्रवान करदा है बाबा कबीर कहंदे ने मैं देखिया कि जिस मार्ग ते जिस रस्ते ते पंडित चल रहा सी ब्राह्मण चल रहा सी उस रस्ते नूं ब्राह्मणिज्म आखदे सन बड़ा सौखा रस्ता बस तीर्थां ते इशनान कर ले पत्थरां दे भगवान दी मूर्ति है इन्हां अगे दीवे जगा लै आरतियां कर लै दान पुन जिस दा हक केवल लैण दा ब्राह्मण नूं है जजमान बन के उस दे सामने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण करी चल ते जिवें ब्राह्मण आखे जीवन दा सफर उसे ही सेध ते उसे ही डायरेक्शन ते लेके तुरिया चल बस एक रस्ता ए सी ते दूजे रस्ते दा जिक्र भी सतगुरु ने बाणी विच कीता ओ रस्ता बिल्कुल वखरा सी
पर वो इन्ना आसान नहीं सी। गुरु ने बाणी विच आख्या चाला निराली भगतां तेरी ओ मार्ग ओ नहीं सी कि जय मार्ग पंडित गए, ओ सी बिखम मार्ग चलना। बिखम क्यों? क्योंकि लब लोभ अंकार तज तृष्णा एहो ही औखा है, एहो चीजा छड़निया औखियां ने। सतगुरु ने बाणी विच एवें नहीं आखिया काम क्रोध अहंकार गाखड़ो ए संजम कौन छुट्टे हो रही, बड़े औखे ने छड़ने। ते गुरु ने आखिया एहो ही बिखम मार्ग है। बिखम मार्ग चलना की लब लोभ अहंकार तज तृष्णा ये छड़ना औखा है, पर भगतां दी चाल विच भगतां दे मार्ग विच ए कुछ। ये गल पंडित दे मार्ग विच नहीं सी, उन्दे विच सब कुछ जायज है। सतगुरु ने एहो गल आखी कहन लगे मार्ग पंथ ना जानो बिखड़ा क्यों पाईया पिर पारे। बाबा रामदास जी ने भी एक गल मेरे मालिक नु मुखातिब करके आखी अरदास विच बेनती दे रूप विच, कहन लगे घट अब घट डूंगर गहना, मेरा रास्ता बड़ा औखा है क्योंकि मैं जय मार्ग पंडित गए उनके पिछे नहीं तुरना चाहता, मैं तेरे राह ते तुरना चाहना। ये रस्ता आसान नहीं, घट अब घट डूगर घना, एक निर्गुण बैल हमार, मेरा मन रूपी बैल भी बड़ा अजाना है, और राह जानदा नहीं ना राह ते तुरन दी उनु आदत नहीं। एक निर्गुण बैल हमार रमैये स्यो, एक बेनती मेरी तमालिक अगे बेनती अरदास है किते जेड़ी जीवन दी पूंजी मेरे कोल आए रस्ते विच ही ना लुटी जाए, मैनू इन्हां राहां दे औकड़ां दा परेशानियां दा पता कोई नहीं, खतरियां तो अनजान ना, इसलिए तू मेरी राखी कर। इस मतलब राह औखा है। बाबा फरीद ने भी ये लफ्ज कहे, फरीदा गलिये चिक्कड़ दूर घर नाल प्यारे ने हो, चलना तप जय कंबली रहा ता टुटे ने हो। कहन लगे भेजो सिजो कंबली अल्लाह वर्षे में हो, जाए मिला के ना सजना, औखा रस्ते परतय करने भगत जन कर देने। हुन जिसने भगत जन दे पिछे लगना है ओनू औखे राह ते तुरना पैने। हैं कबीर दा राह घटी है, ते सतगुरु बाणी विच आख्या घटी चढ़त बैल एक थाका तले गोण चले गोण छटकाई। घटी दा मतलब हुंदा जिहड़ा चढ़ाई वाला रस्ता होवे, ते चढ़ाई वाले औखे रस्ते चढ़दे आ मन भी थक जांदा, इसलिए वो चाहता है कि सौखे रस्ते अपनावा। लो आ कारण है कि जय मार्ग पंडित गए पाछे परी वहे। दुनिया के हर मनुख का जीवन सफर है, ते वो सफर करना उनकी मजबूरी है, पर इसलिए उन्हें ओ राह चुनिया जिहड़े राह ते घाटी नहीं सी। जिन्ना राह ते घट अब घट डूगर घना नहीं सी, जिन्ना राह ते गलियां चिक्कड़ दूर घर नहीं सी। बहुतात लोग गिनती दे बहुत सारे लोग हजारां लखां दी तादाद विच लोग ब्रह्मनिज्म दे पिछे लग के जीवन गुजारन लई जीवन दा सफर करन लई तत्पर हो गए। बाबा कबीर जी ने एहो गल आखी, कहन लगे जय मार्ग पंडित गए
पाछे परी बहीर लोग बहीरों का तके पीछे तुर पे। जय मालिक पंडित गए पाछे परी बहीर कहन लगे एक अवघट घाटी चढ़ाई दा रस्ता है भी क्योंकि तो मेरे मालिक दा मंदिर उच्चा है। सतगुरु ने यो गल बाणी में चाखी कहन लगे ए मन मेरे आ बिन पौड़िया मंदिर क्यों चढ़े राम बड़ा साहेब ऊंचा थाऊ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊ एवड ऊंचा हो वै कोई तिस ऊंचे को जाने सोए ओनू मिलन लई ओडा ऊंचा चढ़ना पैंदा उस घाटी ते जिस ऊंचाई ते मेरे मालिक दा निवास जिस अवस्था दी ऊंचाई ते है उसे ही मंदिर ते पहुंचन लई तैनू भी ओनी ऊंची अवस्था ले जानी पैगी। सतगुरु ने यो गल आखी मन मेरे आ बिन पौड़िया मंदिर क्यों चढ़े रहा मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा ते उस महल ते उस मंदिर ते चढ़न वास्ते जिथे मेरे मालिक दा टिकाना है उस अवस्था तक पहुंचन ले क्योंकि अवस्था मेरे मालिक दा टिकाना है और कोई इटा पत्थरां दा बने हुए मंदिर नहीं। कहन लगे उस अवस्था ते पहुंचन लई तैनू अपनी अवस्था उची चुकनी पैगी ते उंदा जिक्र भी गुरु ने बाणी विच कीता। कहन लगे ओ उची अवस्था ओ पौड़ियां किवें मिलदियां ने अपनी रसना तो सतगुरु ने जपजी साहिब विच ही फरमा दिता। कहन लगे एक दू जी भौ लख होए आपां रोज पढ़ने आ एक दू जी बहो लख होए लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश कहन लगे ए तराहे पत पौड़ियां चढ़ी है। जे तू उंदे गलवक्कड़ी विच जाना है उंदे नाल अभेद होना है उंदे नाल इक्कीस होना है एक होना है ता तैनू ए पौड़ियां चढ़नियां पैणगियां। एक दूजी भाव लख होए लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़ियां चढ़ी है हुए इक्कीस पर एत राहे पत पवड़ियां दी घट अवघट दी डुगर घाटी ते चढ़न लई बाबा कबीर तुर रहे सन बिखम मार्ग चलना ते भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना ते चल रहे सन। हुण एक पासे ब्राह्मण दा पंडित दा मार्ग सी जिधर ओ चल रहा सी ब्राह्मणिज्म विच एक पासे बाबा कबीर दी अवघट घाटी आराम सीखी सी। हुण दसो सोचो भला बोतात बहीरा कत के लोग किंदे नाल तुरनगे। बस इसे गल दा जिक्र बाबा कबीर जी ने अज दे श्लोक विच कीता। कहन लगे जिहड़े पासे पंडित गए उस मार्ग ते तो बहीरां कत के लोग तुर पए ते जिधर बाबा कबीर तुरिया अवघट घाटी वाल उधर अकेला कबीर ही तुरिया जांदा नाल भी कोई कुर तुरन लई साहस उद्दम ते मन नहीं बनांदा। बाबा कबीर जी ने एहो गल बाणी विच आखी ते कहन लगे कबीर जय मर पंडित गए जय मर पंडित गए पाछे परी बहीर पाछे परी बहीर एक अवघट घाटी राम की एक अवघट घाटी राम
ਛੱਡ ਰਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੋ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਜੈ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਜੈ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਜੈ ਮਾਰਗ ਜੈ ਮਾਰਗ ਜੈ ਮਾਰਗ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਔਖਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਔਖਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮੁੱਖੋਂ ਹਰ ਹਰ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ ਪੱਤ ਪਗੜੀਆਂ ਚੜੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਕਹਿਆ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸੇ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਮੁੱਖੋਂ ਹਰ ਹਰ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਵਿਰਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਮੋਖ ਮੁਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਆਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਈਏ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾ ਆਖੀਏ ਮੂੰਹੋਂ ਆਖਣਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਨੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ